नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं। इतिहास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी बहमनी साम्राज्य के बारे में। इसमें बात करेंगे मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में 7वीं सदी के दौरान हुआ। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में 7वीं सदी के दौरान हुआ। दक्षिण भारत में बौद्ध जैन धर्म के पतन की शुरुआत 7वीं शताब्दी के आरंभ में हुई। अलवार, अलवार विष्णु के भक्त थे। नए नारों की संख्या 63 थी। याद रखना, अलवार आपके विष्णु के भक्त थे। महत्वपूर्ण नायार संत थे अप्पार, नाल सावंदर, सुंदर मूर्ति थे। प्रमुख धर्माचार हैं वो संप्रदाय के, ये आपके संत हो गए, दर्शन और संप्रदाय। रामानुजाचार रामानुजाचार ये विशिष्टाद्वैत के दर्शन के दर्शन इनका, और श्री संप्रदाय इनका संप्रदाय। माध्वाचार्य इनका दर्शन द्वैतवाद है। ब्रह्मा संप्रदाय इनका संप्रदाय। वल्लभाचार्य शुद्राद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय। शंकराचार्य अद्वैतवाद, स्मृति संप्रदाय। निम्बार्काचार्य सन संप्रदाय, द्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक है, अपार पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन का समकालीन था। ठीक, नामी अदार नामी को 11 त्रुमुरायों के विशाल संग्रह कारण तमिल व्यास कहा जाता है। सुंदर मूर्ति के भजनों को तेवरम में संकलित किया गया। नंदन सिरूत लोदेव एवं मणिक सागर नहराय संत थे। नरनार तीन सबसे पुराने अलवार आपके पोएगी, फिर पुदम, फिर पे थे। ठीक, अंडाल स्त्री अलवार संत थी। अंडाल कौन थी? स्त्री अलवार संत। त्रु मलिसाई, त्रु मंगई, पेरी अलवार, तिरुपन कुलशेखर, नम्माल बार एवं मधुर कवि अलवार संत थे। ठीक, अलवार संतों ने तमिल एवं स्थानीय भाषा में उपदेश दिए। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कलादी केरल में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कलादी केरल में हुआ था। अद्वैत वेदांत या अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया। हिंदू धर्म का एक कोई नाश शंकराचार्य को कहा जाता है। ठीक है, फिर आपके रामानुज। रामानुज का जन्म 1071 ईस्वी में हुआ, श्री पुरंबदूर में हुआ था। ठीक, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत एवं श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना आपके रामानुज ने की थी। रामानुज ने वेदांत सूत्र पर भाष्य एवं गीता भाष नामक टीका लिखी है। रामानुज के प्रमुख अनुयायी वेदांत देशिक और पिल्लई लोकाचार्य थे। ठीक, सेवाद्वैत मत के प्रवर्तक आपके श्री कांताचार्य थे। द्वैतवाद के प्रतिपादक आपके माध्वाचार्य थे। सनद संप्रदाय का प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। वेद परिजात सौरभ की रचना निम्बार्काचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य का जन्म आपका वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, याद रखना।
शुद्धाद्वैत वेदांत एवं पुष्टि मार्ग दर्शन का विवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना भी की थी। वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार गुजरात एवं राजस्थान में किया। शिव ज्ञान बोधम की रचना मेकंदार ने की थी। आगे बात करते हैं, श्री पादाचार्य हरिदास ने पुरंदर दास आंदोलन का श्री गणेश किया था। कर्नाटक संगीत का पिता पुरंदर दास को कहा जाता है। बीरसे संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना बासव ने की थी। बासव कल्याण कर्नाटक के राजा विज्जल कलचुरी के प्रधानमंत्री थे। लिंगायतों की प्रमुख विशेषता जाति प्रथा का विरोध और शिवलिंग धारण करना है। अल्लाना प्रभु एवं अक्का महादेवी लिंगायत संप्रदाय के संत थे। शंकर द्वारा चार मठ स्थापित किए गए, कौन कौन से? ज्योतिष पीठ है आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड में, गोवर्धन पीठ आपका पूरी उड़ीसा, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात और सिंगरी पीठ मैसूर कर्नाटक। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक आपके लकुलिश थे। कौन थे? लकुलिश। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। प्रथम बंगाली कवि चंडीदास को कहा जाता है। प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? चंडीदास को। राधा और कृष्ण के प्रेम पर मैथिली भाषा में विद्यापति ने लिखा था। बांग्ला व्याकरण तथा वर्णमाला की रचना विद्यापति ने की थी। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर मिश्रा था। ठीक है, चैतन्य का जन्म 1486 कब? चैतन्य का जन्म 1486 कब हुआ? 1486 में नवदीप या नदिया बंगाल में हुआ था। चेतन का प्रारंभिक नाम निमई था। आरंभ में चेतन संस्कारिते दास मुनि संप्रदाय के सदस्य थे। अनचित भेदभाव की स्थापना चैतन्य ने की। चेतन ने अपने मत को सामूहिक भजन एवं कीर्तन के माध्यम से व्यक्त किया। चैतन्य सगुण विचारधारा के संत थे। बात करते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन पंडरपुर की विठोबा पर केंद्रित है। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ भागवत पुराण था। भावार्थ दीपिका अथवा ज्ञानेश्वरी गीता की रचना संत ज्ञानेश्वर ने की थी। ज्ञानेश्वर आरंभ में नाथपंथी थे, परंतु बाद में बारकरी संप्रदाय में शामिल हो गए। प्रतिवर्ष दो बार पंडरपुर की तीर्थयात्रा का विधान ज्ञानेश्वर ने किया। संत नामदेव रंग साज और दर्जी जाति के थे। नामदेव प्रारंभ में एक दस्यु और हत्यारे थे। नामदेव के गुरु विसोबा खेचर थे। नामदेव के शिष्य सेना नाई जाति ज्ञानबाई घरेलू नौकरानी कुम्हार गोरा जाति से संबंधित थे। नामदेव के कुछ अभंग गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए। भक्ति आंदोलन के संत में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ज्ञानेश्वरी को मराठी गीता कहा जाता है। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण एकनाथ से विकसित है। एकनाथ के अनुसार धार्मिक जीवन के लिए किसी मठ या संसार से पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है। तुकाराम मराठी संत एवं महान कवि थे।
तुकाराम का जन्म शूद्र थे जन्म से, ठीक है, शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। उन्हें वर्करी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, उनके उपदेश अभंगों में मौजूद हैं। रामदास धरकारी संप्रदाय के संत भी थे, ठीक। फिर है आपके दासबोध, दासबोध की रचना रामदास ने की थी। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की इनकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता रामानंद थे। रामानंद सगुण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। रामानंद के आराध्य देव राम और सीता थे। रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना भी की। रामानंद के प्रमुख शिष्य थे रैदास मोची, कबीर जुलाह, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजदूत। कबीर के गुरु रामानंद के शिष्यों में पद्मावती और सोरसरी नाम की दो महिलाएं भी थीं। कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न वाराणसी लहरतारा कबीर चोरा में हुआ था। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कहाँ हुई? मगहर में। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक। नीरू पिता नीमा माता नामक जुलाहे ने कबीर का पालन पोषण किया था। हिंदुओं के अनुसार कबीर रामानंद के शिष्य थे, जबकि मुसलमानों के अनुसार शेख तकी के शिष्य थे। कबीर निर्गुण विचारधारा से संबंधित थे। कबीर जाति पिता, मूर्ति पूजा, अवतार सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित थे। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। सिखों ने कबीर के गीतों को अपने आदि ग्रंथ में स्थान दिया। कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। कबीर दास की पत्नी लोई, पुत्री कमाली थी। रैदास रविदास निर्गुण विचारधारा के कवि थे। निर्गुण सत स्वेतरो उपनिषद से लिया गया है। चित्तौड़ की रानी साली रैदास की शिष्या थी। रैदास के गीतों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। दादू दयाल निर्गुण विचारधारा में से संबंधित थे। ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की थी। असंप्रदायिक मार्ग दादू ने चलाया था। दादू का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान के नराना में हुई थी, जहां दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक जगजीवन दास थे, ठीक। बाबा मलूक दास इलाहाबाद प्रयाग में रहते थे। सत्य प्रकाश प्रेम प्रकाश की रचना धवनी दास ने की थी। सत्य विकास एवं प्रेम विकास की रचना धवनी दास ने की थी। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक दरिया साहिब थे। पंजाब में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक गरीब दास थे। तुलसीदास सगुण विचारधारा के संत थे। तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस, विनय पत्रिका तथा कवितावली आदि की रचना की। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे सगुण संत। सूरसागर की रचना सूरदास ने की थी, ठीक। इन्होंने सूर सारावली और साहित्य लहरी की भी रचना की थी। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी गांव में हुआ था, ठीक है।
उनका विवाह जून 1516 ईस्वी में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई के भजन ब्रजभाषा और राजस्थानी में रचे गए हैं। उनके कुछ पद गुजराती में भी हैं। ये भजन कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भावना से ओतपोत हैं। मीराबाई तुलसीदास की समकालीन थीं। मीराबाई चित्तौड़ के राजा भोजराज की विधवा थीं। मीराबाई ने कृष्ण की पति के रूप में आराधना की। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना है। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार शंकरदेव असमिया भाषा में किया। शंकरदेव ने असमिया भाषा शंकरदेव द्वारा स्थापित संप्रदाय था। एक शरण संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। शंकरदेव मूर्ति पूजा और कर्मकांड दोनों के विरोधी थे। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक जी थे। नानक कर्म और पुनर्जन्म को मानते थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी ननकाना नामक ग्राम में 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक के अनुसार ईश्वर का स्वरूप निरंकार अकाल और अलख है। गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया जिसे उदासीस कहा जाता है। सिखों के दूसरे गुरु हुए अंगद। गुरु अंगद ने नानक की वाणियों का संकलन कर आदि ग्रंथ की रचना की। गुरुमुखी नामक नई लिपि गुरु अंगद ने शुरू की थी। भजनों का संग्रह सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने किया। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध गुरु अमरदास ने किया था। अमृतसर की स्थापना सिखों के गुरु चौथे गुरु रामदास ने की थी। गुरुओं और अन्य संतों के वचनों को आदि ग्रंथ में 5वें गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया। हर मंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक, फिर गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी। ठीक है, सिखों को सशक्त छठे गुरु हरगोविंद ने बनाया। उन्होंने अमृतसर की नगर की किलेबंदी कराई और यहाँ पर 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण कराया। सिखों में सैनिक भावना पैदा की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेज तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई और सिखों के गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी। सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह ने की 1699। इसे सिख सेना भी कहते हैं। पंच ककार, कैच, कंघा, कड़ा, कच्छा, कैपाल तथा पंच प्यारी की शुरुआत गुरु गोविंद साहब ने की थी। पंच कंकार ककार, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण तथा पंच प्यारी की शुरुआत आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब के आनंदपुर में मुख्यालय बनवाया। पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया तथा इस मत में दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा गया तथा नाम के अंत में सिंह की उपाधि दी गई।
गुरु गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से आनंदगढ़, किसगढ़, लोहगढ़ तथा फतेहगढ़ किलों का निर्माण कराया। इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनर्संकलन करवाया। इसे दशम पादशाह का ग्रंथ कहा जाता है। इसमें तीन भाषाएं हैं, ब्रजभाषा, गुरुमुखी और फारसी में लिखा गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपका था मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन। आगे बात करेंगे हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे सूफी आंदोलन।